Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an I-Fight. Fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFI. Yes, I am an IFI. Design your future. आगरा दीवानी कंपाउंड की नजूल की जमीन से बेघर हुए सैकड़ों बाल्मीक समाज के लोग मकान की मांग करने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। धर्म जागरण समन्वय विभाग एवं राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय संयोजक नंदकिशोर बाल्मीक के नेतृत्व में समाज ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर बाल्मीक समाज के बेघर लोगों को मकान मुहैया कराने की मांग की गई। देखिए, बाल्मीक समाज के जो लोग हैं उनके प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना किसी सूचना दिए और बिना किसी नोटिस दिए 120 साल पुराने निवासियों को इनके मकानों को ध्वस्तीकरण किया और वहाँ पर ही मंदिर का जो मंदिर है उसको भी ध्वस्तीकरण किया। और इन्होंने जब अपनी आवाज़ रखी तो बजाय आवाज़ सुनने के उनको एक दबाने का प्रयास किया और अपनी तानाशाही दिखाने का इन्होंने स्वरूप दिया। कितने परिवार वहाँ रहते हैं? वहाँ पर करीब परिवार हैं, 60 परिवार हैं। 60 परिवार अपना 120 साल से, 3 सदियों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इनका और हकीकत में अगर देखेंगे तो इनका जो केस है वो उच्च न्यायालय में चल रहा है, लेकिन उसको बजाय देखने के और बजाय उसको लेने के इन्होंने ध्वस्तीकरण किस आधार पे किया? क्या मांग किया? मैंने माननीय अभी जिलाधिकारी महोदय से मिलने आया हूँ और मिलने के बाद में स्वतः अगर उन्होंने मेरी नहीं सुनी तो समाज को लेके ईंट से ईंट बजा के रखूंगा। प्रशासन द्वारा बेघर किए परिवारों की बुजुर्ग महिलाओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मोदी और योगी को कोसते हुए आशियाने की मांग की। मैं नेहरू नगर जज कंपाउंड 4 नंबर कोठी के पास जुग्गी। क्या दिक्कत है आप? मेरे को जुग्गी में भी निकारा गया और गोल के नहीं, मेरे को जुग्गी में का कहते वैसे मैं बना दई हूँ, वो बना दई हूँ वो चौकीदारी। और ना मेरा पति है ना मेरा कोई है, एक बेटा है, बेटा भी मेरा कमजोर है। और मैं का खाऊं और का पीऊं? ना मेरे को सरकार का कहते पेंसिल दे रही, ना मेरे को सरकार का कहते वो दे रही राशन, और ना मेरे को कोई सुविधा मिल रही। मैं तो भिखारी बन के डाल रही हूँ। घर छीन लिया, मैं कहाँ जाऊँ? ना वो पे घर ना घूरा। तो आप क्या कहेंगे? अब मैं जो चाह रही हूँ, मैं जो चाहना चाहती हूँ या तो मुझे जय में दे दे या मेरे काजे कहीं सुविधा कर दे। अगर नहीं मिला क्या होगा? नहीं मिलेगा तो मैं अपने लिए गोली मार के आत्महत्या करवा दूंगी या मैं गोली खा लूंगी। मैं मरवे तैयार हूँ, क्यों मेरा कोई है नहीं है। मोदी जी धन्यवाद। दीवानी कंपाउंड की सरकारी जमीन से बेघर हुए बाल्मीक समाज के परिवारों का कहना है कि बेघर होने के लिए भाजपा की सरकार नहीं बनाई थी। बच्चों को बेघर करने से अच्छा है मोदी जी हमें गोली मार दें। 100 साल से ऊपर से रह रहे हैं हम, और क्या कहें, मैं उनकी सेवा भी कर रहे हैं, हमें बुला के रखा गया था। कहाँ रहते थे आप लोग? सब हम तपले हाउस में रहते थे। सब लोग आप लोग 100 साल पहले से? किस समाज से? हरिजन समाज से जी हाँ। और 120 साल से रह रहे हैं हम। अब घर छीन लिया है? घर छीन लिया, हम बच्चों को कहाँ लेके जाएं? क्या कहेंगे मोदी और योगी जी से? अब यही कहेंगे हमारे बच्चों को कुछ घर दिलाएं, कुछ करें हमारे बच्चों के लिए। रोटी मकान के लिए आपने सरकार बनाई? हाँ, और वो हमें मिलना नहीं रही। अब नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। अगर हमारी लड़कियों के शौचालय तोड़ दिए, लैट्रिन बाथरूम तोड़ दिए, हमारी जमान जमान बेटी है तो वो कहाँ जाए? जिस भरोसे से विजय समाज ने मोदी की सरकार बनाई, लेकिन सरकार के नुमाइंदों द्वारा ही घर छीन लेने के कारण लोग आहत हैं। जहां सरकारें रोजी रोटी और मकान मुहैया कराने के वादे कर रही है, वहीं लोगों से उनके आशियाने छीने जा रहे हैं। कहां जाए बताइए? हमारे घर नहीं है, कुछ नहीं है, पति हैं खत्म हो गए, तो हम कहां जाएंगे बताइए? इसी रहते थे आप लोग? तवकले कंपाउंड में रहते हैं हम। सब क्या हुआ वहां? सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं उधर आके।
डीएम साहब ने ऑर्डर दिया करके आके तोड़ रहे हैं। उधर जज साहब आए थे ना रहने के लिए जगह देंगे करके, कोई एफिडेविट बनवाया उसका क्या करेंगे को पता नहीं है, साइन ले लिया सबका, बना जा दिया, घर बनाएंगे, रोजी रोटी देंगे, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं, रोजी रोटी की तो छोड़ो, रोटी नहीं दिए तो भी भीख मांग के खा लेंगे, रहने के लिए जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे बताइए। हाँ और योगी जी से क्या कहेंगे आज आप, जिस तरह से आपके 120 अगर हमारे मकान नहीं, हाँ हम लोग के मकान टूट जाएंगे, हम लोग बेसहारा हो जाएंगे, तो बीच सड़क पे आके खड़े होंगे हम लोग, हड़ताल करेंगे हम लोग, जरूर करेंगे हड़ताल। बाल्मीकि समाज की महिलाओं का कहना है कि मोदी जी उनके साथ धोखा कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान चलाने का यह मतलब नहीं है कि परिवारों को खुले में शौच करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। और हमारे लैट्रिन बाथरूम भी तोड़ दिए, बच्चियां कहाँ जाएं, शौचालय में कहाँ जाएं, मोदी बड़े शौचालय बनवा रहे हैं, हमारे तोड़े जा रहे हैं, हमारा मंदिर तोड़ा, हम बहुत चीखे, बहुत चिल्लाए, घर कंपनी का कंपाउंड में हम घर के लिए आए, घर भी तो तोड़ रहे हैं, हमारा तोड़ दी ना, हाँ तोड़ दिया, हाँ अब क्या चाहते हो? हम बहुत चिल्लाए चीखे, उन्होंने हमें दाबा धमकी दी, और जब हमारा मंदिर थोड़ा सा रोका नहीं, तोड़ दिया है, डाला था आपने, वोट दिए थे मोदी को, देते हैं मोदी को वोट दिया हमने, क्या और मोदी ने क्या करा, हमें तो कुछ नहीं कर, धोखा धोखा दे दिया, बेघर कर दिया हमें, तो बेघर कर दिया, क्या कहेंगे, यही कहेंगे हमें घर दो। बाल्मीकि समाज ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए अपना दुख बयां किया और मोदी और योगी को जनता के हित में कार्य कर उनको मकान मुहैया कराने की गुहार लगाई। 7A न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।